और क्या चल रहा है। इस एक पंचलाइन की बदौलत एक कंपनी 1000 करोड़ की सेल करती है और इस कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 9000 करोड़। दोस्तों और क्या चल रहा है, इस एक पंचलाइन के दम पर एक कंपनी ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, रेमंड्स, आईटीसी जैसी कंपनीज को पछाड़ दिया। दोस्तों ये एक वीडियो एमबीए के कोर्स के बराबर है। यहाँ हम सीखेंगे कि अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाते हैं, इमेजिनेशन क्या है। दोस्तों ये कहानी एक गुजराती व्यापारी दर्शन पटेल की है। इन्होंने मूव, क्रेक, इच गार्ड, रिंगा, डीकोल टोटल, डर्मीकूल जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और अपनी अनोखी ब्रांड वैल्यू बनाई। ब्रांड कैसे बनाई जाती है ये इस व्यक्ति दर्शन पटेल से हम सीख सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 से, जहां दर्शन पटेल ने 1980 में पारस फार्मास्यूटिकल के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की और इसमें इनके भाई भी पार्टनर थे। दर्शन पटेल अपने दो भाइयों के साथ मिलकर ये कंपनी चलाते थे। 1985 में इस कंपनी का टर्नओवर था महज 40 लाख रुपए। 1985 के बाद उन्होंने 15 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ये प्रोडक्ट थे क्रेक क्रीम, इच गार्ड, रिंग गार्ड, डर्मीकूल। ये कैटेगरी प्रोडक्ट थे, ये इस रेंज के पहले प्रोडक्ट थे। क्रेक से पहले फटी एड़ियों को ठीक करने वाला कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था। इसी तरह डर्मीकूल से पहले ठंडी का एहसास दिलाने वाला कोई पाउडर भी मार्केट में नहीं था। इच गार्ड से पहले खुजली मिटाने वाली कोई क्रीम नहीं थी। यानी कि जब आप कस्टमर की जरूरत को समझते हो और कुछ नया और इफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो तो आपका सफल होना निश्चित है। ये इस तरह के पहले प्रोडक्ट थे। इनके सक्सेस के पीछे 3 सीक्रेट थे, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग। प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत जबरदस्त थी। डर्मीकूल पाउडर लगाते ही तन बदन में ठंडक पहुंच जाती थी। इच गार्ड लगाते ही कुत्ते की तरह खुजली करने वाले व्यक्ति की खुजली शांत हो जाती थी। तो इस समय मार्केटिंग संभालते थे दर्शन पटेल। उनका प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त था कि वे आते और मार्केट में छा जाते। 2002 तक कंपनी का टर्नओवर हो गया 200 करोड़। अब दोस्तों परिवार है तो वाद विवाद तो होगा ही। तो 2006 में फैमिली डिस्प्यूट के चलते दर्शन पटेल अपना 35% का शेयर लेकर कंपनी से अलग हो गए। उनको मिले $43 मिलियन यानी कि 200 करोड़ रुपए। दर्शन पटेल ने अपना शेयर बेच दिया जो मिला रैकेट बैंकिंसर को। उन्होंने मूव, डीकोल, टोटल, क्रेक जैसे प्रोडक्ट्स को खरीद दिया। वही मारिको कंपनी ने सेटवेट, लिवोन, झटाक जैसे प्रोडक्ट उनसे दर्शन पटेल से खरीद लिए। 2006 में 200 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। दर्शन पटेल इन पैसों पे दम पर पैर रखे राजा जैसी जिंदगी जी सकते थे। परंतु दर्शन पटेल ने अपने टैलेंट का सदुपयोग करने का निश्चय किया। 2 साल बाद दर्शन पटेल ने वीनी कॉस्मेटिक नाम से कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने इत्र का बिजनेस करने का निश्चय किया। इस समय मार्केट में 3 लीडर थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक्स, रेमंड्स, आईटीसी का एंगेज। इन प्रोडक्ट को टक्कर देना आसान नहीं था। दर्शन पटेल का पहला प्रोडक्ट था जेनेसिस 18, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो हो गया फेल। अब इस फेल्योर से कोई भी आदमी हताश हो जाता, परंतु दर्शन पटेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने मार्केट को रिसर्च किया। अब वो भी दूसरी कंपनीज की तरह मात्र खुशबू बेचेंगे तो इसमें नया क्या है। दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ समस्या ये थी कि उनका परफ्यूम गैस बेस्ड था और उनकी बोतल 10-15 दिन में खत्म हो जाती थी। उन्होंने ज़्यादा चलने वाला लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाने का निश्चय किया। उनका नया प्रोडक्ट था फॉग। अब फॉग का मतलब कोहरा नहीं होता है, फॉग का मतलब होता है फ्रेग्रेंस ऑफ गुड गाइस एंड गर्ल्स। दिसंबर 2011 में फॉग लॉन्च हुआ और उसने बाकी के प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया। इस सफलता के पीछे उनकी 4 स्ट्रेटेजीज थी। पहला था यूनिक पोजिशनिंग। तो दोस्तों एक्स बोलता था इसको लगाने से लड़कियां पटेंगी, सेटवेट कहता था वेरी वेरी सेक्सी, फॉग ने कहा वी आर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। एक बोतल में 800 स्प्रे होते थे। दूसरा प्रोडक्ट जो था वो 10 दिन में खत्म हो जाता था, जबकि फॉग चलता था 20 दिन।
यानी फॉग सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट था। इनकी दूसरी स्ट्रेटजी थी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस। दूसरी परफ्यूम एरोसेल स्प्रे थे, गैस बेस्ड थे, यानी बोतल में सिर्फ गैस होता था और आपको बार बार लगाना पड़ता था। फॉग ने बनाया नॉन एरोसेल स्प्रे, ये हवा में उड़ता नहीं था। तीसरी इनकी स्ट्रेटजी थी मार्केटिंग। दूसरे इत्र कहते थे इसको लगाने से लड़कियां पटेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई परफ्यूम कहता वेरी वेरी सेक्सी, हम आपको सेक्सी बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दशरथ भाई ने कहा, भाई मेरा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इसको लगाने से आसमान में से लड़कियां नहीं टपकेगी, बस एक अच्छी सुंदर खुशबू आएगी और ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा और सस्ता है। दर्शन भाई मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग के जीनियस हैं। सभी कंपनीज खुद प्रोडक्शन करती है और मार्केटिंग दूसरों से कराती है, जबकि दर्शन भाई ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरों को सौंप दिया और खुद मार्केटिंग संभाला। उनका एक ग्लास वाला एक एड एकदम सटीक था, जहां ग्लास में फॉग डालने पर ग्लास भर जाता है जबकि दूसरा परफ्यूम हवा में उड़ जाता है। बस एडवर्टीजमेंट लोगों को दूसरे परफ्यूम और फॉग का डिफरेंस समझाने में बहुत ही सफल रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 20% एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्च करता था, वही दर्शन पटेल ने HUL से दुगुना मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। दर्शन भाई एक बार मार्केट में सर्वे के लिए गए, उन्होंने दुकानदार से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, तो दुकानदार बोला आपका फॉग चल रहा है। 70% दुकानदारों ने यही उत्तर दिया कि भाई आपका फॉग चल रहा है, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। दर्शन भाई ने इस पंच लाइन को अपना मार्केटिंग सिंबल बनाया और नतीजा हम सभी जानते हैं। उनकी चौथी स्ट्रेटेजी थी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। दर्शन भाई ने तीन स्ट्रेटेजी अपनाई, अवेबिलिटी, एक्सेस और अवेयरनेस। उन्होंने टू सोप रूल बनाए थे, यानी कि आप कोई चीज़ खरीदने के लिए किसी भी दुकान पर जाते हो और वो आपको नहीं मिलती है तो आप दूसरी शॉप पर जाएंगे, और अगर आपको दूसरी शॉप पे भी वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप वो प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा है उसको मार दोगे। इसे दर्शन भाई ने हर जनरल स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल बनवाया। HUL जो एक समय मार्केट लीडर था उसे हराकर मार्केट में 20% शेयर के साथ बन गए नंबर वन। दोस्तों आज इस कंपनी का नेटवर्थ है 9,000 करोड़। तो दोस्तों ये केस स्टडी से हम तीन चीजें सीख सकते हैं। पहला है आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, दूसरा मार्केटिंग जबरदस्त होनी चाहिए, और तीसरा आपका प्रोडक्ट वास्तव में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट में अगर दम नहीं होगा तो आप चाहे कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कैसी भी मार्केटिंग कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या चल रहा है बताइए।